आज चौदह सेवा संस्थान के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है 15 अगस्त तक चलेगा, उसमें हम हमारे स्वतंत्रता सेनानी मनोहर मेहता साहब का स्वागत करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं जयकिशनी शोभा साहब से आग्रह करूँगा कि वह उपर्णा वर्णा पर मेहता साहब का सम्मान करें। आदरणीय चित्तौड़ा साहब उपर्णा वर्णा का सम्मान करें। डॉक्टर कुलशेखर जी व्यास उपर्णा वर्णा का स्वागत करें। और मैं विमल शर्मा पूरे संस्थान की ओर से गर्म दृष्टि के साथ कि आप पूरी सतायु हो और हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे, इसी आशा के साथ भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय। अब मैं आपके सुपुत्र अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वे पिताश्री का कुछ परिचय रिकॉर्ड में करवाएं। बाबू जी का जन्म गांव कुंडला जिला चित्तौड़गढ़ में टोंक रियासत में 1 जून 1928 को हुआ। बाल्यावस्था में ही बाबू जी गांधी टोपी धारण करते थे और मेवाड़ प्रजा मंडल के जो सदस्य थे उनसे जुड़े हुए थे। तो आज़ादी के आंदोलन में जब प्रजा मंडल के सदस्यों को बहुत सारी यातनाएं दी गई और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, तो बाबूजी ने पीछे उनके परिवार वालों की देखभाल की और सूचनाओं का आदान प्रदान करके उनके घर वालों की सहायता करी और साइकिल से गुप्त सूचनाएं इधर उधर पहुंचाकर आंदोलनकारियों का सहयोग किया। इस वजह से पुलिस और इन्होंने इनको बहुत प्रताड़ित किया और इनको सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा तथा इनको पढ़ने भी नहीं दिया। तो इन्होंने बाल्यावस्था ही आज़ादी के आंदोलन में गुजारी। बहुत अच्छा, बहुत।